इससे पहले कि तीसरा अध्याय प्रारंभ करूं, एक बार फिर आपसे निवेदन करता हूं कि जब आप श्री गीता जी का श्रवण करें तो ये मानकर करें कि आप अर्जुन हैं। अर्जुन यानी ज्ञान का अर्जन करने वाली आत्मा, और परमात्मा स्वयं आपसे गीता कह रहे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपके मत से कम बुद्धि श्रेष्ठ है तो हे केशव, मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं। निश्चय करके मुझे बतलाइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूं। भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले समझा चुका हूं कि इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा कही है। एक तो सांख्य वालों का ध्यान योग, दूसरा योगियों का कर्म योग। कर्मों को प्रारंभ न करने से ही कोई निष्कर्म नहीं कहलाता, और कर्मों को त्याग करके संन्यास ग्रहण करने से ही किसी को सिद्धि नहीं मिलती। मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण ही सब मनुष्यों को कुछ न कुछ कर्म करने में लगाते हैं। जो अज्ञानी कर्मेंद्रियों को रोककर आत्मचिंतन करने के बहाने विषयों का चिंतन करता है, वह पाखंडी मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से दमन कर और विषयों में प्रवृत्त न होने देकर उनसे कार्य लेता है, वह कर्म योग का अभ्यास करता है और श्रेष्ठ कहलाता है। अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म के न करने से कर्म को करना अच्छा है। बिना कर्म किए तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। हे कौन्तेय, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने कर्म हैं उनके करने से मनुष्य का बंधन होता है। अतएव तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न कर प्रजा से कहा था, तुम यज्ञ आदि कर्म करके वृद्धि को प्राप्त होगे। यही कर्म तुम्हारे निमित्त काम धेनु होवेंगे। इस यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करते रहो और देवता भी तुमको संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परस्पर बर्ताव करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त होवोगे। यज्ञ आदि कर्मों से प्रसन्न होकर देवता तुमको इच्छित सुख की सामग्रियां देंगे, परंतु उनके लिए हुए दान को जो बिना उनका भोग लगाए ग्रहण करता है वो चोर है। पंच महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करते हैं वे पापों से मुक्त हो जाते हैं और अपने निमित्त ही अन्न पकाते हैं। वे पापी पुरुष पाप को ही भक्षण करते हैं। अन्न से ही प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्न वृष्टि से उत्पन्न होता है, वृष्टि यज्ञ द्वारा होती है, और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है और ब्रह्म अक्षर परमात्मा से। इसी कारण सदा पदार्थों में रहने वाला जो ब्रह्म है वह सब यज्ञों में प्रस्तुत है। हे पार्थ, इस प्रकार चलाए हुए कर्म चक्र के अनुसार जो नहीं चलता है वह पापमय है और उनका जीवन व्यर्थ है। जो मनुष्य आत्मा में ही रहता है और आत्मा आनंद के अनुभव से तृप्त रहता है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उससे कुछ भी कार्य शेष नहीं। वह कर्म करे या ना करे उसको कोई प्रयोजन अथवा लाभ नहीं है, और किसी प्राणी में अपना लाभ करा लेने की भी उसे कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए तुम भी फल प्राप्ति की इच्छा त्याग कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि फल की इच्छा त्याग कर कर्म करने वाला मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, मुझे तीन लोकों में भी कर्म शेष नहीं रहा और न ही कोई अप्राप्य वस्तु प्राप्त करनी है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। यदि हम ही आलस्य में आकर कर्मों को नहीं करेंगे तो अन्य मनुष्य भी हमारे पथ का अनुकरण करेंगे। इससे मैं कर्म न करूं तो सब लोग भी कर्म न करने से नष्ट हो जावेंगे। इससे मैं वर्ण शंकर के उत्पन्न करने का हेतु बनकर प्रजा को नष्ट करने वाला समझा जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा करके कर्म करता है, वैसे ही धन की इच्छा न करते हुए ज्ञानी को लोक शिक्षा की इच्छा करते हुए
कर्म करना उचित है। कर्म में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ज्ञानी भेदभाव उत्पन्न न करें, परंतु आप स्वयं कर्म करता हुआ उसमें भी प्रसन्नता पूर्वक कर्म करावें। हे अर्जुन, सब कर्म प्रकृति के गुणों को करके ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि हम कर्ता हैं। परंतु जो गुण और कर्म के विभाग का सच्चा तत्व जानता है वह ज्ञानी पुरुष ये समझकर इसमें आसक्त नहीं होता कि गुणों का यह खेल आपस में हो रहा है। आध्यात्म बुद्धि से तुम सब कर्मों को मुझ में अर्पण करके कर्म फलों की आशा ममता को छोड़कर संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक मेरे इस मत के अनुसार आचरण करते हैं वे लोग कर्म बंधन से निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं। जो अज्ञानी इसको ग्रहण नहीं करते वे संपूर्ण ज्ञान से रहित हैं, उनको नष्ट हुआ जानो। अपना कठिन धर्म भी दूसरे के सहज धर्म से हितकर होता है। स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारक है, परंतु अन्य धर्म भयानक हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आत्मा को पाप करने की इच्छा न होते हुए भी उसे कौन जबरदस्ती पाप के मार्ग में प्रवृत्त करता है? भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम व क्रोध मनुष्य को पाप मार्ग में ले जाता है। इसके करने से उत्पन्न इच्छा कभी तृप्त नहीं होती। ये महापापी और शत्रु हैं। जैसे धुएं से अग्नि, धूल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ का बालक ढका हुआ है, उसी प्रकार विषय की इच्छा से आत्मज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के आश्रय स्थान हैं। इनके सहारे विषय की इच्छा ज्ञान को आच्छादित करके जीव को मोहित कर लेती है। अतएव तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस पापी काम को अवश्य ही जीतो। कहते हैं कि इंद्रियां सबसे प्रबल हैं और इंद्रियों से भी प्रबल मन है। इस प्रकार जो बुद्धि से परे है उस आत्मा को जानकर निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चल करके हे महाबाहु, तुम दुर्धर शत्रु काम विकार को जीत लो। कितनी सुंदर शिक्षाएं श्री गीता जी के तीसरे अध्याय में भी थीं कि कर्म संन्यास होता ही नहीं, कर्म तो करना ही पड़ेगा। और भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भी कर्म करता हूं, कर्मों से भागकर संन्यास हो ही नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। हे कौन्तेय, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने भी कर्म हैं उनके करने से मनुष्य का बंधन होता है। यहां समझना होगा, यज्ञ शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, परंतु यहां वह यज्ञ है जो आत्मा की शुद्धि के लिए है। इसीलिए जैसा भगवान कह रहे हैं कि जो आत्मा में ही स्थित है उसको कर्म नहीं खींचते, लेकिन जो अपने आप को शरीर और कर्मेंद्रियां मान करके चल रहा है उसको कर्मों का बंधन पड़ता है। इसलिए हम जो भी कर्म करें, चाहे शरीर निर्वाह के लिए सांसारिक कर्म भी हो, उनको प्रभु के अर्पण करना है ताकि आत्मा किसी भी बंधन में ना फंसे। और घर में जो भी अन्न, भोजन, सांसारिक सुविधाएं, साधन प्राप्त हो रहे हैं, उन सभी साधनों का प्रयोग करने से पहले, भोजन ग्रहण करने से पहले यज्ञ पिता यानी ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के भी पिता परम पिता परमात्मा को शुक्रिया अदा करते हुए अथवा भोग लगाते हुए ही उन साधनों का उपयोग करें, अन्यथा साधनों में आसक्ति हो जाएगी। ऐसा मैं श्री गीता जी के तीसरे अध्याय के अध्ययन के पश्चात समझता हूं। श्री गीता जी के इन अध्यायों का पठन श्रवण हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम श्रवण भी करें और उसमें छिपे सूक्ष्म रहस्यों को भी समझें। और एक बहुत ही विशेष सबक मिला। भगवान कहते हैं, इस जगत के संपूर्ण प्राणी मात्र का और खास तौर से उन आत्माओं का जो प्रभु से प्रेम रखती हैं, परमात्म मिलन का लक्ष्य रखती हैं, तपस्वी और योगी बनना चाहती हैं, उन सभी आत्माओं का सबसे बड़ा और दुर्धर शत्रु है काम विकार। शरीर की कर्मेंद्रियां इसका आश्रय स्थल हैं, जिसके चलते मन में कामनाओं के और काम विकार के बुरे विचार उत्पन्न होते हैं जो बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं
और पाप कर्म की ओर मोड़ देते हैं। इसी से आत्माएं पवित्र से पतित बन जाती हैं और फिर गाती हैं कि हे पतित पावन, आओ आओ आकर हमें पावन बनाओ। क्योंकि पवित्रता के बगैर सुख और शांति की कल्पना नहीं की जा सकती, पवित्रता के बगैर आत्मा और परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ मिलन भी नहीं हो सकता। यही काम विकार सर्वव्यापी हो गया है, इसीलिए तो आज हर ओर असुरक्षा है और काम विकार का बोलबाला है। अतएव भगवान कहते हैं कि हे ज्ञान का अर्जन करने वाली आत्मा, स्वयं को आत्मा निश्चय कर, मेरे में मन लगाकर तुम इस दुर्धर शत्रु को जीत लो। श्री गीता जी का चौथा अध्याय लेकर यह आत्मा जिसका नाम अमित है आपके बीच में पुनः उपस्थित होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मनन चिंतन करते रहिए। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।